गाइस दिस इज विधि, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं हर मंथ H&M हॉल बनाती हूँ, बट इस मंथ मैंने मिंत्रा से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली थी क्योंकि मिंत्रा पे बहुत बड़ी सेल चल रही थी। सो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है एंड आई नो काफी सारे लोगों के ऑफिस एंड कॉलेज स्टार्ट हो रहे तो वो वैसे आउटफिट्स ढूंढ रहे होंगे। सो आई मेड श्योर टू इंक्लूड ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो एंड आप ये वाले आउटफिट्स कैजुअल वेयर एंड पार्टी वेयर में भी पहन सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला परचेज है ये बेसिक व्हाइट टॉप। अभी आप ऑफिस जाओ कॉलेज जाओ आपको व्हाइट टॉप्स तो बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो मैंने ये वाला खरीदा है फॉर 799 rupees एंड इट इज टोटली वर्थ योर मनी लाइक ईच एंड एवरी पेनी, क्योंकि जो नॉर्मल आपने टॉप्स देखे होंगे ना H&M के उसकी क्वालिटी से ये काफी ज्यादा अलग है। लाइक काफी अच्छा फैब्रिक लोग ने दिया हुआ है, स्ट्रेचेबल है एंड स्क्वायर नेक है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगी। इसके ऊपर लाइक इतना वर्सेटाइल कलर है, इसमें आप ब्लैक भी ले सकते हो, वैसे वर्सेटाइल कलर है, वर्सेटाइल टॉप है कि इसके नीचे आप कुछ भी पेयर कर सकते हो। सो मैंने और दो चीजें लिए हैं वीडियो में जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, बट मैंने इसको ये स्ट्राइप पैंट्स के साथ भी स्टाइल किया है। आप पिंक पैंट्स, कोई भी कलर पैंट इनफैक्ट उसके साथ स्टाइल कर सकते हो, कार्गोस के साथ स्टाइल कर सकते हो अगर आप कॉलेज जा रहे हो एंड अच्छे खासे अगर आपके पास फॉर्मल ट्राउजर्स है उसके साथ पहनोगे तो ये बहुत अच्छा ऑफिस लुक भी क्रिएट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू माई मोस्ट फेवरेट परचेज ऑफ द एंटायर वीडियो विच इज दिस शर्ट। अभी ट्राई ऑन पार्ट में आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज अ क्रिंकल्ड शर्ट। अभी ये वाली शर्ट का कलर लेते टाइम मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट इट। एक्चुअली ना मैंने अर्बैनिक पे एक सेट देखा था ऐसे नियोनिश सॉर्ट ऑफ कलर में, वो कॉर्ड सेट था एक्चुअली, बट मुझे ऐसे स्केप्टिकल थी मैं कि कॉर्ड सेट पता नहीं मैं इतना ज्यादा पहनूंगी या नहीं, मैं ज्यादा शर्ट्स पहनती हूँ एंड वो थोड़ा सा महंगा भी था। इसका भी प्राइस महंगा ही, आई थिंक दिस इज फॉर 1600 और समथिंग, बट डेफिनेटली वर्थ योर मनी। अगर आप शर्ट ढूंढ रहे हो तो इसमें और भी एक दो कलर ऑप्शन है, आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट भी है तो वो भी ले सकते हो, बट ये वाली की जो टेक्सचर है ना फैब्रिक की टेक्सचर मैं आपको बताती हूँ क्लोजली, जो देखोगे ना क्रिंकल टेक्सचर है उसके वजह से काफी ऐसा कैजुअल सॉर्ट ऑफ वाइब भी आ रहा है इसमें। डेफिनेटली आप इसको ऑफिस में भी पहन सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ट्राई ऑन पार्ट में बताया वैसे आप इसको कॉलेज में पहन सकते हो, ऑफिस में भी पहन सकते हो एंड अगर आपको टक इन करना नहीं पसंद तो नॉर्मली इसको पहन सकते हो एंड अंदर अगर आपको बस बहुत अच्छी व्हाइट टॉप है या ब्लैक क्रॉप टॉप है उसके साथ तो ये बहुत प्रिटी लगेगा। नीचे जीन्स पहन सकते हो, ब्लैक पैंट्स पहन सकते हो, व्हाइट पैंट्स पहन सकते हो एंड ये अगेन बहुत सारी चीजों के साथ डेफिनेटली जाएगा। मैं ना एक्चुअली 4-5 days में कहीं ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैं डेफिनेटली इसको एयरपोर्ट लुक में पहनने का सोच रही हूँ, बिकॉज ये एयरपोर्ट लुक के लिए भी काफी अच्छा है, काफी एकदम इजी ब्रीजी सॉर्ट ऑफ लुक आता है एंड दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। मूविंग ऑन वी हैव अ वेरी प्रिटी प्रिटी कलर विच इज अ पेस्टल येलो। अभी मैंने ये कलर जब लिया था मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करते येलो बट सूट होता है काफी लोगों पे एंड मैंने भी ऐसे बहुत बाद में डिस्कवर किया कि येलो मुझ पे सूट होता है एंड एक्चुअली ये ना पेस्टल येलो है, नॉट एक्चुअल येलो येलो जो इतना पॉप कलर होता है। सो ये मैंने स्टाइल किया है विद माय पिंक पैंट्स। आप ग्रीन पैंट्स पहन सकते हो, ब्लू पैंट्स पहन सकते हो, आप ब्लू जीन्स पहन सकते हो, बहुत सारे कलर्स के साथ इसको स्टाइल कर पाओगे एंड ये एक्चुअली टॉप नहीं है, ये बॉडी सूट है। नीचे आपको ये डिटेलिंग मिल जाती है जिसमें आप बटन प्रेस करके आप इसको पहन सकते हो एंड इसमें डेफिनेटली आप इसको टक इन एंड डेफिनेटली इसको आपको टक इन ही करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द प्राइस, इट इज प्राइस फॉर 1299। दिस इज एक्सपेंसिव गाइज, बट द कलर इज समथिंग दैट मैंने ज्यादा एप्स पे ये पेस्टल वाला येलो सॉर्ट ऑफ कलर नहीं देखा है अब तक एंड पूरे H&M पे भी पेस्टल येलो इतना नहीं था। सो मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी इस कलर फैमिली में बट मुझे नहीं मिल रहा था, सो मैंने सोचा कि ठीक है 1299 है तो ले लेती हूँ। ऑल्सो ये नॉर्मल टॉप नहीं है, इसके लिए शायद इसका प्राइस ये है एंड फैब्रिक क्वालिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फैब्रिक्स। इसकी फैब्रिक क्वालिटी इज वेरी नाइस एंड स्ट्रेचेबल एंड ये जो डिटेलिंग आपको ऐसे थोड़ी लाइनिंग दिख रही है वो भी एक एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देता है टू द एंटायर आउटफिट। अगर आप कॉलेज के लिए कोई अच्छा खासा बॉडी सूट या टॉप देख रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू विल रियली रियली लाइक। मूविंग ऑन वी हैव कार्गो पैंट्स। अभी बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरा वीडियोज देखे उनको पता होगा कि मेरे पास काफी सारे कार्गोज है एक्चुअली। सो मुझे ना ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आते सेइंग कि ये ट्राउजर्स इतने महंगे हैं एंड ऐसे सब। सो कार्गोज जो है ना गाइस वो ट्रेंड में चल रहे हैं, सो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होंगे एंड अगर आप अभी देखोगे ना बहुत सारे एप्स पे कार्गोज अवेलेबल भी नहीं है, सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। सो जब मैं H&M देख रही थी तो मैंने ये वाले कार्गो पैंट्स देखे। सो टॉकिंग अबाउट दीज पैंट्स, जब ये आए थे तब मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या पजामा है लोग ने दे दिया है एंड ऐसे सब, जबकि मैंने वही माइंडसेट से इसको ऑर्डर किया था कि मेरे पास
थिक वाले जो मैं बाहर आउटिंग में पहन सकती हूँ वैसे तो कार्गोज है, बट मुझे थोड़े कैजुअल इजी ब्रीजी वाले कार्गोज चाहिए थे जिनका प्रिंट कार्गो जैसा हो बट फैब्रिक थोड़ा अलग हो। स्टिल मुझे जब ये आए ना तब ये मुझे पसंद नहीं आए थे, फिर मैंने सोचा मैं स्टाइल करके देखती हूँ कैसे लग रहा है, एंड स्टाइल करने के बाद ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड एक्चुअली ना अभी सेल भी चल रही थी H&M पे जिसमें कुछ कुछ आइटम सेल पे थे, तभी मैंने ये ऑर्डर किया था, वैसे ये सेल में नहीं था ये प्रोडक्ट आई गेस, तो मुझे इसमें फुल प्राइस पे करना पड़ा। इसका प्राइस है 2000 रुपीज, अगेन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको बैनिक या ऑल पे ना अगर आपको कार्गो पैंट्स मिल जाते हैं तो उस पर तो डिस्काउंट्स भी काफी कूपन कोड्स भी चलते हैं तो आप वहां से ले सकते हो, बट अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है ना आपको कार्गो सही में चाहिए तो आप डेफिनेटली जाके ले सकते हो, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स नॉट दैट वर्थ ऑफ योर मनी, स्पेशली अगर आप ऑफिस जाते हो एंड आप कैजुअल लुक्स करते ही नहीं हो तो आई थिंक यू डेफिनेटली स्किप दिस वन। मूविंग ऑन टू अ वेरी पॉपी कलर विच इज अ रेड। अभी मैंने ये जब भी खरीदा तब मैंने बहुत टाइम से एक्चुअली रेड नहीं खरीदा था इसलिए मैंने रेड खरीदा। इसमें आपको एक दो और ऑप्शन भी मिल जाते हैं बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज नॉट द कलर, इट इज द फैब्रिक। जस्ट लुक एट द क्वालिटी एंड द टेक्सचर। सो जो जूट फैब्रिक होता है ना गाइस उसका जो इसे लाइटर वर्जन होता है ना आई थिंक ये वो लोग ने दिया हुआ है। ये आप डेफिनेटली ट्रैवल लुक करके पहन सकते हो, कॉलेज में पहन सकते हो, एंड अगर आपको लूज एंड बैगी आउटफिट्स बहुत पसंद है तो यू विल लव इट। इसमें जैसे कि आप फ्रंट पार्ट में देख सकते हो मैंने इसको पीछे से टक इन किया, आप आगे से भी टक इन कर सकते हो, एंड आप व्हाइट जीन्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो। एक्चुअली व्हाइट जीन्स ना अभी सेल पे चल रहे तो मैं वो भी नीचे लिंक कर दूंगी, सो आप जल्दी से ले लेना क्योंकि व्हाइट जीन्स आर लाइक अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब। आप डेफिनेटली इसको और भी कलर्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स एंड बहुत सारी चीजों के साथ इसको स्टाइल कर पाओगे, एंड आई थिंक ये डेफिनेटली वर्थ योर मनी है। इट इज प्राइस फॉर 1299, अगेन एक्सपेंसिव है आई नो, एंड इसमें ना मैं यूजुअली एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल के बीच में ऐसे ये करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ अपनी साइजिंग। सो इसमें मैंने साइज खरीदा है स्मॉल एंड आई फील इट इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द फिट दैट दे हैव गिवन, एंड ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, सो डेफिनेटली वर्थ एन इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन वी हैव अनदर ट्राउजर्स। अभी इस बार जितने भी ट्राउजर्स आए ना जब वो आए एंड मैंने पैकेज खोला ना मैं इतनी हिली हुई सी थी, ऐसा लग रहा था कि क्या ही आ गया है यार। तो बट मैंने जब पहन के देखा इसको तब मुझे ये पसंद आया, बट इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि 1299 है इसका प्राइस। इसमें ना पहले मैंने एक और लिया था एंड ये मैंने क्यों लिया मैं आपको ये बताती हूँ। सो मैंने आई थिंक ट्रायन पार्ट में कोई तो ब्लैक पैंट पहनी होगी एंड वो बहुत सारे लोग मुझे उसकी लिंक मांगते रहते हैं, उसमें स्ट्राइप्स है, वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, मैं 10,000 बार ही बता चुकी हूँ बट मुझे स्टिल लोग पूछते हो मैंने कहाँ से ली। सो मुझे ना काइंड ऑफ सिमिलर लगी उससे क्योंकि इसमें भी स्ट्राइप्स थे, बट ऑब्वियसली उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसकी फैब्रिक क्वालिटी एंड ऑल बहुत अच्छी थी। आई वाज सो लकी कि उस दिन मैं लोकल मार्केट गई थी एंड मुझे वो पैंट्स मिल गई, बट ये उसके क्लोज भी नहीं है थोड़ी भी, जबकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है एंड वो मैंने 400 या 500 में कुछ खरीदी हुई थी। सो आई विल से कि अगर आपके पास स्ट्राइप्स पैंट्स नहीं है तो आप ये ले सकते हो, बट ये ना लूज है, मुझे तो लूज हुई मेरे कमर से क्योंकि आई थिंक इसकी रेगुलर वेस्ट है, इसकी हाई वेस्ट नहीं है। ऑल्सो इसमें ना आपको बटन या कुछ नहीं मिल जाता है, सिर्फ यहाँ पे इलास्टिक बैंड मिल जाता है, सो दैट इज अनदर डिसअपॉइंटिंग पार्ट अबाउट इट। बट एक चीज है कि अभी अगर आप लोग के यहाँ पे बारिश या कुछ होती है ना गाइज, सो आपको इसकी लेंथ बहुत ही अप्रोप्रिएट लगेगी क्योंकि बारिश में आप लंबे लंबे जीन्स पैंट्स एंड ये सब पहन के बाहर नहीं जा सकते हो, तो उस हिसाब से सीजन वाइज ये काफी अप्रोप्रिएट है। इनफैक्ट मैं सोच रही थी इसमें कोई और एक कलर भी ले लूं क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ लाइक मुंबई में तो अभी बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई ऑलरेडी, सो अगर आपके यहाँ पे बारिश या कुछ होती है तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंड अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो ट्रेन वेन बस वस में ट्रैवल करते हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट, क्योंकि इसकी ना फैब्रिक क्वालिटी काफी लाइट है तो इसमें से पानी भी अच्छे से खासा ड्रेन हो जाएगा जल्दी जल्दी अगर आप गीले भी हो गए थोड़े बहुत, एंड आप आराम से इसमें ट्रैवल भी कर पाओगे क्योंकि ये नीचे से इतना लॉन्ग सा नहीं है। एंड इसमें मैंने साइज खरीदा है स्मॉल जो मुझे डेफिनेटली लूज हो रहा है, सो आई थिंक यू कैन साइज डाउन इन दिस वन। मूविंग ऑन वी हैव अनदर टॉप विच इज नॉट लाइक कॉलेज एंड ऑफिस अप्रोप्रिएट बट लाइक अ पार्टी सॉर्ट ऑफ आउटफिट विच इज लाइक अ वन शोल्डर टॉप। अभी वन शोल्डर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को वन शोल्डर टॉप्स पहनते हुए देखा है, एंड मैं ना एक और ऐसा सिमिलर टॉप ऐसे स्क्रीन पे दिखा दूंगी जो मैंने अपने प्रीवियस मिंत्रा हॉल में भी पहन के दिखाया था, एक जीन्स के ऊपर मैंने उसको स्टाइल किया था, सो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। उसका तो टेक्स्चर काफी ज्यादा डिफरेंट है, इट दिस वन लाइक द व्हाइट वन इज प्राइस्ड फॉर 999 बट दिस वन इज प्राइस्ड फॉर 799 which I feel is really nice. So जो वेस्ट टॉप आते हैं अगर आपके पास H&M की कोई वेस्ट टॉप होगी 799 वाली कैटेगरी वाली एग्जैक्टली वही वाला फैब्रिक लोगों ने दिया हुआ है, सिर्फ ये वन शोल्डर है एंड उसमें नॉर्मल शोल्डर आपको मिल जाते हैं।
सो ये आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कार्गोस के साथ भी स्टाइल किया है, आप इसको पार्टी में कैरी कर सकते हो विद रियली नाइस ट्राउजर्स, विद पॉप कलर ट्राउजर्स एंड हील्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये डेफिनेटली पार्टी पार्टी लुक है। अगर आप किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी या किसी में जा रहे हो एंड आपको इतना ज्यादा ड्रेसअप करने का मन नहीं है बट स्टिल आपको थोड़ा ड्रेसअप करना है, तो ये जो टॉप है ये पहन के नीचे आप अच्छी खासे ट्राउजर्स एंड हील्स पहन लो एंड एक अच्छी सी स्लिंग बैग ले लो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द पार्टी। इसमें मेरा साइज है एक्स्ट्रा। So guys, that's all from my side. Make sure you comment and let me know your favorite item from the entire video. And do not forget to like, share and subscribe to my channel below. And hit the bell icon to get notification every time I post a new video. I will see you next time with another video. Bye.